आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में हंसी मजाक, टीका टिप्पणी, नोक जोक ये तो होता रहता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं। गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है। देश ने सेलिब्रेट किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है, चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है, कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है, और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है, ये देश के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं,
जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है। और आखिर ये सब क्यों? ऐसे ही तो नहीं है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है? इसके पीछे कारण है। इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हो रही है उसी को मैं अगर शब्दबद्ध करूं और कुछ बातें उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं। अब आप देखिए, भारत में एक दो तीन दशक अस्थिरता के रहे, आज स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसीजिव गवर्नमेंट है। और उसका भरोसा स्वाभाविक होता है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, वो राष्ट्रहित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। और ये वो सरकार है, रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्शन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं। और हम इस मार्ग पर हटने वाले नहीं, हम चलते रहेंगे। देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक और उदाहरण की तरफ मैं जाना चाहूंगा। इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। और इतना ही नहीं, अपने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए। इतना ही नहीं, 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई, जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन। और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं, भारत का गौरवगान करते हैं। उसी प्रकार से तीसरे एक पहलू की तरफ ध्यान देते हैं। इसी संकट काल में आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी एक ताकत दिखाई है, एक आधुनिकता की तरफ बदलाव किया है, पूरा विश्व इसका अध्ययन कर रहा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली में था, डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि देश कैसे कर रहा है। कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े देश, समृद्ध देश, अपने नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे, नोटे छापते थे, बांटते थे, लेकिन बांट नहीं पाते थे। ये देश हैं जो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लाखों करोड़ों रुपये देशवासियों के खाते में जमा करा देता है, हजारों करोड़ रुपये ट्रांसफर हो जाते हैं। एक समय था छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए देश तरसता था, आज देश में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविन दुनिया के लोग अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दे नहीं पाते जी, आज वैक्सीन लो, हमारे मोबाइल फोन पर हमारा सर्टिफिकेट दूसरे सेकंड पे अवेलेबल। ये ताकत हमने दिखाई है माननीय अध्यक्ष जी। भारत में नई संभावनाएं हैं, दुनिया को सशक्त वैल्यू और सप्लाई चेन, उसमें आज पूरी दुनिया ने, कोरोना कालखंड ने सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिला के रख दिया है। आज भारत उस कमी को पूरने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कईयों को बात समझना बहुत देर लग जाएगी। भारत आज इसी दिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप्स, और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश के टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी पहुंच चुका है, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा है। भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं, और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। ये इस देश के नौजवानों ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एनर्जी कंजम्पशन प्रगति के एक मानदंड माना जाता है। आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था। आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं। एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी गर्व होगा, पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। इतना ही नहीं, बेटियों की भी भागीदारी बराबर होती जा रही है। देश में
इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह पे हमारे बेटे हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन।